दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों बहुत से लोगों का कमेंट आया जापान के ऊपर एक वीडियो बनाइए, इसलिए आज के वीडियो में जापान के टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। दोस्तों जापान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर अब तक परमाणु बम गिराया गया है, जिसका इन्फेक्शन आज भी लोगों को मार रहा है। और सिर्फ परमाणु बम भी क्यों, इस देश के ऊपर प्रकृति भी अपना खूब कहर बरसाती है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन भूकंप के झटके महसूस होते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद इस देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है। और यहाँ की टेक्नोलॉजी का तो कहना ही क्या, उसके बारे में हम आपको जितना बताएं उतना कम है। ऐसे में दोस्तों मेरे यानी आपके दोस्त अपने विशाल प्रजापति के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जापान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हक्का बक्का रह जाएंगे। तो दोस्तों बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। फेक फूड। दोस्तों दुनिया भर में रेस्टोरेंट्स के डिस्प्ले पर आपको फूड की इमेज देखने को मिलती है, लेकिन भला कोई तस्वीर देखकर ये कैसे कह सकता है कि खाना कैसा है। इसी वजह से लोगों को अपने खाने की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए जापान में हूबहू वैसा ही नकली खाना बनाया जाता है जैसा उनके रेस्टोरेंट में असली दिखता है, ताकि वो लोग रेस्टोरेंट्स के डिस्प्ले पर इस तरह के फेक फूड को लगाकर लोगों को अपने रेस्टोरेंट की तरफ अट्रैक्ट कर सके। हालांकि इनका नकली खाना असली खाने से महंगा होता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कभी खराब नहीं होता, और मार्केटिंग का ये तरीका शायद ही जापानी लोगों के अलावा और कोई निकाल सकता था। किटकैट। अधिकतर लोगों को किटकैट बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि ये काफी क्रंची और लाइम चॉकलेट होती है जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी मजे से खाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको किटकैट के एक या दो फ्लेवर ही देखने को मिलेंगे, पर अगर आप जापान जाएंगे तो वहां पर किटकैट की अलग ही दुनिया चलती है। फिर चाहे वो स्वीट पोटैटो हो, ग्रिल्ड कॉर्न हो, सोयाबीन हो, सॉल्ट वाटरमेलन, मैंगो और ग्रीन टी तक के फ्लेवर मौजूद हैं, जिनके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। और ये सभी फ्लेवर जापान में सिर्फ बनाए नहीं जाते बल्कि धड़ल्ले से बिकते भी हैं, क्योंकि जापान के लोग वाकई में किटकैट के बहुत बड़े दीवाने हैं। नूडल्स बात। दोस्तों हर 10 में से 9 लोगों को नूडल्स बड़ी पसंद है, और इन लोगों में आप भी जरूर शामिल होंगे जिन्हें नूडल्स खाने का बड़ा शौक होगा। हालांकि हर किसी का नूडल खाने का तरीका अलग अलग होता है, पर दोस्तों जापान में नूडल्स को सिर्फ खाया ही नहीं जाता बल्कि उसे नहाया भी जाता है। जी हाँ, यहाँ के एक रिजॉर्ट में आने वाले लोगों को एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होता है जिसमें उन्हें नूडल्स सूप के बने पूल में नहाने का मौका मिलता है। अब आपको भले ही ये सुनकर अजीब लग रहा हो, लेकिन जापान के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि सूप में मौजूद इंग्रेडिएंट्स में नहाने से उनकी स्किन और ज्यादा चमकने लगती है। पीपल पुशर्स। आपने मुंबई लोकल ट्रेन के नजारे तो देखे होंगे, फिर चाहे आपने इन्हें मुंबई में देखा हो या फिर टीवी या न्यूज़पेपर में, जहां मुंबई की लोकल ट्रेन में लगने वाली भीड़ पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कई बार तो लोग ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे दरवाजों पर लटक जाते हैं मानो इन्हें अपने जान की कोई फिक्र ही ना हो। और ठीक ऐसी ही सिचुएशन कई बार जापान में लोगों को देखनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर लोगों के हिसाब से एरिया काफी कम है, और इसी कारण जापान में कुछ पार्ट टाइम पुशर्स रखे जाते हैं जो लोगों को धक्के मार मार के ट्रेन के अंदर ठूस देते हैं। ब्लू ट्रैफिक लाइट। दोस्तों हमारे यहाँ आपको ग्रीन कलर की ट्रैफिक लाइट देखने को मिल जाएगी, जिसका मतलब होता है आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जापान में ग्रीन कलर की ट्रैफिक लाइट के बजाय ब्लू कलर की ट्रैफिक लाइट मौजूद होती है, और इसके पीछे का कारण उनकी भाषा है, क्योंकि जापानीज भाषा में ब्लू और ग्रीन के लिए एक ही शब्द बोला जाता है। ऐसे में पहले जापान में ट्रैफिक लाइट्स बाकी देशों की तरह ग्रीन ही होती थी, लेकिन उसी ग्रीन ट्रैफिक लाइट को ब्लू ही बोला जाता है। अब ब्लू और ग्रीन में कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से गवर्नमेंट ने ट्रैफिक में ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रैबिट आइलैंड। दोस्तों 1940 के दौरान जापानी वैज्ञानिकों ने कुछ खरगोशों को ओकुनोशिमा नाम के आइलैंड पर ले गए ताकि इन पर कुछ टेस्ट किए जा सके, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें छोड़ दिया गया। अब इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरा आइलैंड में आपको खरगोश ही खरगोश दिखाई देंगे। ऐसे में इतने सारे खरगोशों से भरा हुआ आइलैंड कई सारे टूरिस्ट को काफी ज्यादा भाता है। अब जाहिर सी बात है, जब आपको हर जगह अलग अलग तरह के क्यूट से खरगोश देखने को मिलेंगे तो कोई भी ऐसी जगह पर जाना चाहेगा। पूरी कूरा मशीन। किसी बूथ में बैठकर फोटो लेना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जापान को तो इसमें भी अपना अलग ही तड़का लगाना है ताकि लोग कुछ नया एक्सपीरियंस करें, और इसी वजह से उन्होंने एक अलग ही तरह का फोटो बूथ लोगों के सामने पेश कर दिया जिसे पूरी कूरा कहते हैं। और इसमें आप अपनी फोटो उसी समय एडिट कर सकते हैं जिसमें आप अपना बैकग्राउंड बदलकर फनी स्टिकर लगाने के साथ साथ कुछ भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे अपने फोन पर भी भेज सकते हैं।
इसलिए कई सारे लोग अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके फोटोग्राफी का अलग ही एक्सपीरियंस लेने यहाँ आते हैं। अम्ब्रेला पार्किंग, हमें पता है आप यही सोच रहे होंगे कि कार पार्किंग के बारे में तो सुना है, अब ये अम्ब्रेला पार्किंग क्या है? तो दोस्तों, जापान में हर एक चीज का अपना अलग सिस्टम होता है, इसी वजह से आपको यहाँ पर अक्सर कई सारी जगहों पर अम्ब्रेला पार्किंग मिल जाएगी, जहाँ आप अपने छाते को पार्क करके लॉक कर सकते हैं, यानी कि उन्हें वहीं पर रखकर बिल्डिंग के अंदर घुस सकते हैं, क्योंकि आपको बिल्डिंग के अंदर गीला छाता लेकर जाने की इजाजत नहीं होती है। ऐसे में जब गीला छाता बिल्डिंग के अंदर नहीं जाएगा तो ना ही बिल्डिंग गंदी होगी, ना ही किसी के गिरने का खतरा बनेगा। तो दोस्तों, ये थी जापान की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आपकी क्या धारणा है उसे हमारे साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।